नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, इस वीडियो प्रैक्टिस साइड पेपर में साइंस के क्वेश्चंस हैं जो कई एग्जाम्स में बार बार रिपीट हुए हैं। ये क्वेश्चन वन लाइनर फॉर्मेट में है, तो वीडियो आप अंत तक जरूर देखिएगा जिससे ये क्वेश्चंस आपको याद हो जाएं और आपका एक बार रिवीजन हो जाए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का बटन क्लिक कर लें जिससे इस प्रकार के वीडियोस और क्लास लाइव जो होती है साइंस की उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो दोस्तों, चैनल पर साइंस की लाइव क्लास भी होती है जो रोज शाम को 7 बजे से होती है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि ये प्रश्न जो है बहुत बार रिपीट हुए हैं और साइंस के क्वेश्चंस आपके बहुत काम आ सकते हैं। तो आप अपने दोस्तों को भी जरूर ये लिंक शेयर करके ये क्वेश्चंस दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। उससे पहले मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि लाइक करके वीडियो को जरूर जाइएगा अंत में। वीडियो अच्छा लगे तो लिंक को शेयर जरूर करिएगा और चैनल से ज़रूर जुड़िएगा। इससे पहले भी क्वेश्चंस बने हुए हैं जिनको आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं चैनल की। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वासीओरकर रोग किसकी कमी से होता है? तो क्वासीओरकर रोग जो है जिसमें हड्डियाँ जो है कमज़ोर हो जाती हैं और हड्डियों को मजबूती प्रदान करने के लिए कौन काम करता है? प्रोटीन। तो क्वासीओरकर रोग जो है प्रोटीन की कमी से होता है। यौन संबंधों द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है? तो यौन संबंधों के द्वारा फैलने वाला रोग एड्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसकी कुसंक्रिया या किसकी खराबी के कारण या किसकी अनियमितता के कारण किसकी कुसंक्रिया के कारण गलगंड रोग उत्पन्न होता है? तो थायरोक्सिन ग्रंथि के कुसंक्रिया के कारण या खराबी के कारण गलगंड रोग यानी कि थायरोक्सिन ग्रंथि के कारण होता है। तो किसकी कुसंक्रिया के कारण गलगंड या घेंगा रोग होता है? तो थायरोक्सिन ग्रंथि के कारण ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्र ग्रहण तब होता है जब, अर्थात चंद्र ग्रहण की स्थिति में सूरज चंद्रमा और पृथ्वी की क्या स्थिति होती है? तो चंद्र ग्रहण तब होता है जब सूर्य और चंद्रमा के मध्य में पृथ्वी आ जाती है। सूर्य और चंद्रमा के मध्य में जब पृथ्वी आ जाती है तब चंद्र ग्रहण की स्थिति पड़ती है। और हाल ही में अभी गुरु पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण पड़ा था, तो आप ये भी याद रख सकते हैं कि पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये रहा स्क्रीन पर। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो दर्पण के द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब हमेशा आभासी प्रतिबिंब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या पूछा गया है। भारी जल का क्वथनांक, क्वथनांक का मतलब होता है भारी जल D2O कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जो है उबलने लगता है? तो 101.4 डिग्री सेल्सियस पर भारी जल जो है उबलना शुरू कर देते हैं यानी कि उसका क्वथनांक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या पूछा गया है। नाभिक का आकार कैसा होता है? तो जो परमाणु का नाभिक होता है उसका आकार कितना होता है? तो 10^-15 मीटर नाभिक का आकार कितना होता है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 10^-15 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या पूछा गया है। बैरोमीटर के पारे का एक तल एकाएक गिरना क्या प्रदर्शित करता है? तो बैरोमीटर का जो पारा होता है बैरोमीटर में जो हमारे लिए संकेत बताता है कितने डिग्री टेम्परेचर है या क्या है, तो पारा अगर बैरोमीटर का अचानक नीचे गिरता है तो इसका मतलब यह है कि वातावरण में अभी आंधी तूफान आने वाला है। क्या हो जाएगा? आंधी तूफान का सूचक होता है बैरोमीटर का पारे का अचानक नीचे गिरना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विद्युत आवेश की MKS पद्धति में मात्रक क्या है? तो विद्युत आवेश का MKS पद्धति में मात्रक कूलाम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। कौन अति शीतलित द्रव कहलाता है? तो कांच जो है, शीशा जो होता है, अति शीतलित द्रव की कैटेगरी में आता है। शीशे को ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे, इनमें से अति शीतित द्रव कौन सा है? तो कांच जो है अति शीतित द्रव की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या पूछा गया है। सल्फ्यूरिक अम्ल का एनहाइड्राइड क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल का एनहाइड्राइड क्या है? तो SO3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल का एनहाइड्राइड SO3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पारा आसानी से प्राप्त किया जाता है, अर्थात पारे का अयस्क क्या होता है? तो पारे का अयस्क जो है वह है सिनेबार। पारे को HG से डिनोट करते हैं और सिनेबार को HGS से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बादल वायुमंडल में तैरते हैं तो किसके कारण तैरते हैं? तो अल्प घनत्व के कारण बादल वायुमंडल में तैरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या पूछा गया है।
प्रकाश तरंगे कैसी तरंगे होती हैं, प्रकाश तरंगों को आप किस कैटेगरी में रखेंगे। तो प्रकाश तरंगे जो हैं विद्युत चुंबकीय तरंग भी होती हैं और प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, दोनों अलग अलग भी पूछा जाता है। डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाएगा प्रकाश तरंग कौन सी तरंग है, तो अनुप्रस्थ तरंग हो सकती है और विद्युत चुंबकीय तरंग, इनमें से जो भी ऑप्शन आए तो वो आप लगा सकते हैं। दोनों अगर एक साथ आए तो ए और बी दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस कौन सी होती है, तो जाहिर सी बात है नाइट्रोजन प्रकृति में सबसे ज़्यादा होती है, इसीलिए हम नाइट्रोजन लेते तो हैं लेकिन उसका बिना यूज किए उसको वापस निकाल लेते हैं। तो नाइट्रोजन जो है श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में हमारे शरीर के अंदर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है, तो शुक्र ग्रह इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसीलिए शुक्र ग्रह को सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहते हैं। क्वेश्चन आता है एग्जाम में सांझ का तारा और भोर का तारा किसे कहते हैं, या पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है ना, या पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कह लें एक प्रकार से कई मायनों में, तो ये सभी जो है शुक्र के ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। एक सामान्य व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो एक सामान्य व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। दोस्तों वन लाइनर क्वेश्चन, कम समय में आपके ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो आपको याद हो जाएंगे, आपका रिवीजन हो जाएगा और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं, तो वीडियो अंत तक एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। आप इसको जितना ज़्यादा शेयर करेंगे हम इसका और पार्ट उतनी ही जल्दी आपको प्रोवाइड कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी गैस की आंतरिक ऊर्जा तापक्रम का एक फलन है, ये किसका कथन है, तो ये चार्ल्स का नियम है। तो चार्ल्स का नियम है, ये नियम पूछे जाते हैं, चार्ल्स का नियम, गैलीलियो का, न्यूटन का, बर्नौली प्रमेय, ये सभी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो चार्ल्स ने क्या नियम दिया था कि किसी गैस की आंतरिक ऊर्जा तापक्रम का एक फलन होती है, ये चार्ल्स के नियम के अंतर्गत आता है। वोल्टीय सेल में विद्युत अपघट्य क्या होता है, वोल्टेज सेल में विद्युत अपघट वो कहलाता है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। सेल बनाने के लिए एक लिक्विड होता है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, वो विद्युत अपघट कहलाता है। तो वो क्या होता है, तो वो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या बोलते हैं उसके लिए, सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं, सल्फर को इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं गंधक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हेक्सा ब्लेड किसके बने होते हैं, हेक्सा ब्लेड जो आपने देखे हैं ना लोहा काटने के लिए जो आरी होती है, हेक्सा ब्लेड वो किसके बने होते हैं, तो उच्च कार्बन इस्पात के बने होते हैं। एराबिका किसका एक प्रकार है, तो एराबिका एक फूल का प्रकार है, ऑप्शन नंबर फूल इसका सही उत्तर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। कई बार एराबिका का आंसर कॉफी दे देते हैं, लेकिन एराबिका नहीं, कॉफी की जो प्रजाति होती है अरेबिका, कॉफी की प्रजाति है वो है अरेबिका, यहां पर बोला गया है एराबिका, तो एराबिका एक प्रकार के फूल की प्रजाति है। विद्युत चुंबक किसके बने होते हैं, तो विद्युत चुंबक नरम लोहे के बने होते हैं, यह तो आपने हमेशा से ही पढ़ा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या है, ऐसा ही मात्रक एमकेएस पद्धति में, सीजीएस पद्धति में, किसी भी पद्धति में पूछ सकते हैं, तो इनको याद करके रखिएगा। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या है, किलोग्राम मीटर प्रति क्यूब, क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर क्यूब इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गैस टर्बाइन किस चक्र पर आधारित होती है, तो गैस टरबाइन जो होती है ना जो घूमने के बाद में विद्युत उत्पन्न करती है या अन्य काम करती है, तो वो ब्रेटॉन चक्र होता है, उस पर काम करती है गैस टरबाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गैस वेल्डिंग में सामान्यतः प्रयुक्त ईंधन गैस कौन सी है, तो जो हम गैस वेल्डिंग कराते हैं या आपने देखा होगा मार्केट में कभी, उसमें गैस वेल्डिंग में जो है एसिटिलीन गैस होती है, ऑप्शन नंबर एसिटिलीन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ऊर्जा का मात्रक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहा जाता है, तो ऑयल ऑफ विट्रियोल H2SO4 को कहते हैं, इसको साइंटिफिक टर्म में क्या बोलते हैं ये कमेंट बॉक्स में बताइए, लाइव क्लास में बताया है मैंने आपके लिए H2SO4 को क्या बोलते हैं, तो ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहा जाता है, तो ये H2SO4 को कहा जाता है। पृथ्वी के भूपटल में प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, तो एल्यूमिनियम भूपटल में पाई जाने वाली प्रचुर मात्रा में धातु है और इसको Al से डिनोट करते हैं, और बॉक्साइड एल्यूमिनियम का सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम किससे प्राप्त होती है, तो बॉक्साइड से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, पृष्ठ तनाव का ऐसा ही मात्रक क्या है, तो पृष्ठ तनाव का ऐसा ही मात्रक न्यूटन मीटर है।
न्यूटन प्रति मीटर है। और पृष्ठ तनाव से रिलेटेड कई क्वेश्चन आते हैं, वर्षा की बूंदों का गोल दिखना, पानी की बूंदों का, तेल की बूंदों का पानी पर फैलना, कई प्रकार के क्वेश्चंस हैं। ये पृष्ठ तनाव के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या पूछा गया है, ध्वनि कब यात्रा करती है? तो ध्वनि कैसे यात्रा करती है, किस प्रकार की तरंगों के रूप में? तो ध्वनि जो है अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में यात्रा करती है, और प्रकाश अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में यात्रा करता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ध्वनि कौन सी किरण है, तो आपको बताना पड़ता है कि ध्वनि जो है अनुदैर्ध्य है, और प्रकाश कौन सी किस प्रकार की किरण है, तो प्रकाश जो है अनुप्रस्थ है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या पूछा गया है, एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, 746 वाट के बराबर होता है। एक अश्वशक्ति 746 वाट के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंडोस्कोप यंत्र से क्या जांच की जाती है? तो एंडोस्कोप यंत्र से शरीर के अंदरूनी अंग को जो है जांच किए जाते हैं। ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू शरीर के अंदरूनी अंगों को प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर चेक किया जाता है। एक प्रकार से कैमरे की तरह देख लिया जाता है। एंडोस्कोपी शरीर के आंतरिक अंदरूनी अंगों को चेक करने की एक प्रकार से तकनीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव रक्त का रंग लाल होता है तो यह हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन के कारण मानव शरीर का रक्त लाल होता है। जिस प्रकार मानव शरीर में हीमोग्लोबिन होता है, पौधों में क्या होता है बताइए, जिसके कारण वो हरे दिखते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गर्म करने पर जल का घनत्व पहले बढ़ता है फिर घटता है, ये याद रखिएगा। ऑप्शन नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो मैं क्वेश्चन भी पढ़ रहा हूँ आंसर भी पढ़ रहा हूँ। आपसे डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गर्म करने पर जल के घनत्व में क्या असर पड़ता है, तो ऑप्शन में रहेगा पहले बढ़ता है और फिर घटता है। तो पहले एकदम से उबलते हुए उफनता है पानी, और फिर उफनने के बाद में आपने देखा हो फिर नॉर्मल उबलता रहता है। आप नॉर्मली दूध को गर्म करते होंगे तो आपने देखा होगा पहले उबलता है, खूब उबलता है, फिर उफन जाता है, फिर उफन जाके वो ठंडा हो जाता है, मतलब एक निश्चित लेवल पर फिर उबलता रहता है, फिर नहीं उफनता है। तो पहले बढ़ता है और फिर घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? तो ध्वनि की प्रबलता जो है आयाम पर निर्भर करती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आयाम। एक एंगस्ट्रम बराबर होता है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है और हमेशा पूछे जाते हैं। एक एंगस्ट्रम 10 के ऊपर माइनस 10 की घात मीटर के बराबर होता है। एंगस्ट्रम से क्या मापते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कौन करता है? तो पराबैंगनी किरणों का अवशोषण जो है ओजोन गैस करती है। ओजोन जो है ऑक्सीजन के तीन पार्ट से मिलकर बनी हुई है, ओजोन इसका सही उत्तर हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल का संबंध किससे है? कोलेस्ट्रॉल जो है वसा से संबंधित है। हृदय रोगियों को वसा कम खाना चाहिए, ऐसा डॉक्टर्स के द्वारा भी सलाह दी जाती है, प्लस मैं भी यही कहूँगा कम खाना चाहिए वसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का कौन सा नियम बल को परिभाषित करता है? न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का कौन सा नियम बल को परिभाषित करता है? तो पहला नियम जो है न्यूटन का बल को परिभाषित करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला नियम क्या कहता है, कोई वस्तु गतिमान है गतिमान रहेगी, कोई वस्तु स्थिर है स्थिर रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। और तीसरा नियम क्या कहता है, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया, है ना। दूसरा नियम क्या कहता है आप बता दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विषाणु में किस प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है? तो विषाणु में आरएनए और डीएनए दोनों पाए जाते हैं, ठीक है, आरएनए डीएनए दोनों पाया जाता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए का फुल फॉर्म आप बता दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को किसने खोजा था? तो ये ऑस्ट्रेड ने खोजा था, और कब खोजा था, 1812 में खोजा था। ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं तो इनको नोट करते जाना। एलिजा क्या है? तो एलिजा एड्स रोग में जांच कराने की एक टेक्निक होती है। तो एलिजा टेस्ट जब कराया जाता है, जब किसी व्यक्ति को एड्स होना का एक प्रकार से कहे तो शक के बिना पर कर सकते हैं, या फिर उससे संबंधित भी मान सकते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र एड्स होने पर ख़त्म हो जाता है, तो उस तंत्र की जानकारी एलिजा टेस्ट से होती है। तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि एड्स के मरीजों की जानकारी के लिए एलिजा टेस्ट किया जाता है, या नॉर्मली एलिजा टेस्ट प्रतिरक्षा तंत्र की जानकारी के लिए ही किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या पूछा गया, आलू क्या है? तो आलू एक रूपांतरित तना है। आलू किस कुल का है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण होता है? तो बैरियम ऑक्साइड के कारण आतिशबाजी में हरा रंग होता है।
एंगस्ट्रम यूनिट से क्या मापा जाता है? तरंग दैर्ध्य मापते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, एंगस्ट्रम से क्या मापते हैं, तरंग दैर्ध्य मापते हैं। चलिए, एक सरप्राइज आपका क्वेश्चन का आंसर आपको क्वेश्चन में ही मिल गया, मैंने क्योंकि थोड़ी देर पहले पूछा था आपसे यही क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव द्वारा श्रव्य ध्वनि तरंग की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। 20,000 हर्ट्ज से कम को क्या कहते हैं, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा को क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मैंने आज जनरल अवेयरनेस की क्लास में सुबह बताया था। स्टील में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? तो 0.1 से 1.5% तक स्टील में कार्बन का प्रतिशत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। 7 से कम हो जाता है अम्ल, 7 से ज्यादा हो जाता है आपका क्षार, 7 हो जाता है आपका न्यूट्रल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? तो लोहे की कमी के कारण एनीमिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है? तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है। और इंसुलिन कहाँ से स्त्रावित होता है? तो अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन स्त्रावित होता है। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र क्या कहलाता है? तो हाइड्रोफोन। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र जो है हाइड्रोफोन कहलाता है। हाइड्र आप जल से संबंधित समझ सकते हैं, हाइड्रोफोन जल के अंदर ध्वनि सुनने वाला यंत्र जो है हाइड्रोफोन इसका सही उत्तर हो जाएगा। गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? तो छोटे जी का मान कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गाजर किस विटामिन का स्रोत है? तो गाजर जो है विटामिन ए का स्रोत है। गाजर में क्या पाया जाता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। डेसिबल से क्या मापते हैं? तो डेसिबल से ध्वनि की तीव्रता मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी विद्युत तापक की कुंडलिनी बनी होती है? तो नाइक्रोम की। विद्युत तापक का मतलब क्या होता है, जो विद्युत हीटर होता है। तो आपने देखा होगा उसमें हीटर में इस तरीके से ऐसे तार लगा होता है इस तरीके से, और वो फिर तार गर्म होकर लाल रंग का हो जाता है और फिर बहुत गर्मी प्रदान करता है। तो ये तार जो है नाइक्रोम का बना होता है, विद्युत तापक या विद्युत हीटर का। कुंडली जो होती है तार, आपने देखा हो जाएगा वो तार जो होती है जिसको हम सेट करते हैं इस तरीके से चारों तरफ, वो नाइक्रोम का बना होता है। डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो फैराडे के नियम के सिद्धांत पर डायनेमो कार्य करता है। प्रतिशत में ताप स्थाई, सॉरी प्रशीतित का मतलब होता है रेफ्रिजरेटर। प्रशीतित में ताप स्थाई का मुख्य कार्य क्या होता है? तो ये ताप को नियंत्रित करता है। ताप स्थाई का मतलब होता है थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट क्या काम करता है, तापमान को नियंत्रित करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, हैजे का संक्रमण किसके द्वारा होता है? तो हैजा जो है जीवाणुओं के कारण होता है। जीवाणु विषाणु इनके कारण होने वाले रोगों की एग्जाम में बहुत ही ज्यादा डिमांड होती है और ये बहुत पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? तो गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन के द्वारा दिया गया था। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम क्लोराइड इसका राइट आंसर हो जाएगा, NaCl। दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा जिसको, और अपने दोस्तों को भी लिंक शेयर करिएगा। इसका पार्ट हम आपके लिए कल फिर लेकर आएंगे, और अगर आपका ज़्यादा सहयोग मिलता है वीडियो को तो हम कोशिश करेंगे एक दिन में 2 पार्ट अपलोड कर देंगे। इसके लिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इसका नेक्स्ट पार्ट आपके लिए कल मिलेगा। आग बुझाने वाली गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है आग बुझाने के काम आती है, ऑप्शन नंबर CO2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट आपका इसका जल्दी हम प्रोवाइड कर देंगे। फ्यूज तार किसका बना होता है? तो टिन और शीशे का बना होता है। नेक्स्ट पार्ट हम आपका जल्द ही प्रोवाइड करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट पार्ट हम आपका जल्द ही प्रोवाइड करेंगे इस वीडियो का। तब तक आप वीडियो की लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।